आईपीएल 2021 राजस्थान रॉयल्स ने हारा हुआ मैच जीता, पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम को 2 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 185 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में खेलते हुए पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। रॉयल्स ने शानदार वापसी करते हुए मैच जीत लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल और एविन लुइस ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की तेज भागीदारी निभाई। लुइस 21 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से यशस्वी जायसवाल और लियम लिविंगस्टन ने तेज बैटिंग की। लिविंगस्टन 17 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए और जायसवाल दुर्भाग्यशाली रहे, वो 36 गेंद में 49 रन पर आउट हो गए। इस बीच महिपाल लोमडोर ने मोर्चा संभाला और दीपक हुड्डा के ओवर में 24 रन बनाए। ये पारी का 16वां ओवर था और स्कोर 160 के पार पहुंच गया। इस बीच मोहम्मद शमी ने रियान पराग को 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इस बीच अर्शदीप की गेंद पर लोमडोर भी आउट हो गए, उन्होंने 17 गेंदों में 43 रन बनाए। अंतिम ओवरों में मोहम्मद शमी और अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी और रन नहीं दिए। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 185 रन बनाकर आउट हो गई। अर्शदीप ने 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। शमी ने भी 3 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने बेहतरीन शुरुआत। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए रन बनाए। दोनों ने तेजी भी दिखाई और समझ भी दिखाई। पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई। राहुल 33 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हुए, तब ये भागीदारी टूटी। उन्हें चेतन सकारिया ने आउट किया। मयंक अग्रवाल अपने अर्धशतक के बाद भी बेहतर खेल रहे थे, लेकिन उन्हें 67 रन पर राहुल तेतिया ने चलता किया। उन्होंने 43 गेंदों का सामना किया। इसके बाद एडन मार्कर और निकोलस पूरन टीम को लक्ष्य के करीब लेकर गए। अंतिम ओवर में जीत के लिए 4 रन चाहिए थे और यहां से मैच बदल गया। कार्तिक त्यागी ने पूरन को 32 रन पर सैमसन के हाथों कैच कराया। इसके बाद दीपक हुड्डा को भी उन्होंने बिना खाता खोले सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अंतिम गेंद पर 3 रन की जरूरत थी, लेकिन फैबियन एलन के सामने त्यागी ने गेंद खाली निकालते हुए 2 रन से टीम को जीत दिलाई। एडन मार्कम 26 रन बनाकर सामने खड़े रह गए। रॉयल्स के लिए कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए।